वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सब लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, अब से आप लोग क्राफ्ट मटेरियल घर बैठे मंगवा सकते हैं। आप लोगों के जो मैसेज आते थे, कमेंट्स आते थे कि आप जो यहाँ पर सिखाते हैं हम वैसा सेम बना नहीं पाते क्योंकि हमें मटेरियल नहीं मिल पाता। बड़ी सिटीज़ में फिर भी आपको मटेरियल मिल जाता है, लेकिन छोटी सिटीज़ में या गाँव में जो लोग रह रहे हैं उनको ये सब मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाता। तो अब से ये मटेरियल की जो सुविधा है हम लोग होम डिलीवरी करते हैं। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वालिटी के बारे में निश्चिंत रहिए, आपका जो ऑनलाइन मार्केट है या फिर लोकल मार्केट है वहाँ से आप रेट्स वगैरह भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आई होप अब से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, आप जैसा यहाँ पर मुझे बनाते हुए देखते हैं सेम वैसा बना पाएंगे, जो जो मटेरियल मैंने अपने वीडियोस में यूज़ किया, और बहुत सा मटेरियल आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। वीडियो में हम इस तरह की तोरण बनाना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले गोल्डन कलर का ये रेडी बेस है, ये हमें लेना है। 2 इंचेस जो है इसकी चौड़ाई है और 36 इंचेस इसकी लंबाई है। दोनों साइड रिंग लगे हैं हैंग करने के लिए। उसके बाद ये पर्ल लेस है 3 mm की, पीछे से फ्लेट होती है, इसे जो है हमें बेस के ऊपर चिपकाना है। तो उसके लिए इस तरह से हम ग्लू लगाएंगे इसके ऊपर। ग्लू गन आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फेविकोल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेविकोल को ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरह से जो है आप ग्लू लगा कर इसे पेस्ट करते जाइए, पूरे बेस को हमें कवर करना है। तो इस तरह से जो है बेस को कवर करने के बाद इसका हम सेंटर निकालेंगे। बेस को इस तरह से फोल्ड करके आप सेंटर निकाल सकते हैं, नहीं तो मेजरमेंट टेप की भी हेल्प ले सकते हैं। ये इसका सेंटर है। यहाँ पे जो है ये लीफ है ग्रीन कलर की, फ्लावर शेप की, पेटल्स है, ये हमें 3 पेटल्स चिपकानी है इस तरह से, थोड़ी एक दूसरे को कवर करती हुई और स्पेस लेते हुए इस तरह से हमें ये लीफ चिपकानी है। उसके बाद पिंक कलर का ये फैब्रिक फ्लावर है, इसे जो है हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे, जो लीफ हमने चिपकाई है इनके सेंटर में। तो इसी तरह के जो है 3 सेट हमें चिपकाने हैं यहाँ पर। पहले सबसे पहले 3 लीफ चिपकाएंगे और उसके बाद फ्लावर जो है वो चिपकाएंगे। सेंटर से दोनों तरफ एक एक फ्लावर हमें चिपकाना है। उसके बाद कॉर्नर में भी सेम उसी तरह का 1 सेट हम चिपकाएंगे, 3 लीव्स चिपकाएंगे और उसके ऊपर जो है हमें फ्लावर डालना है। तो ये 3 लीव्स हमने चिपका ली है और ये पिंक कलर का जो फ्लावर है ये हम इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर देंगे। इन्हें आप हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, बेस के अंदर से थ्रेड और नीडल लगाना है। उसके बाद जो सेंटर है और किनारा है उसके बीच की जो जगह है वहाँ पर हमें एक और जो है इस तरह का सेट पेस्ट करना है, जो बीच की जगह है। अंदाजे से आप बीच में लगा सकते हैं, नहीं तो मेजरमेंट टेप से आप सेंटर निकाल लीजिए और उसके बाद एक और सेट हमें यहाँ पर चिपकाना है। तो इसी तरह का सेम सेट जो है हमें दूसरी साइड भी बनाना है, किनारे पर और उसके बीच में। यहाँ पर जो बीच में जगह है वहाँ पर हम ये गोटा फ्लावर्स लगा देंगे। उसके बाद इन गोटा फ्लावर्स के नीचे हमें ये फिलिग्री है मेटल की, ये लगानी है। तो ये जो है हम हैंड स्टिच करेंगे, फिलिग्री के ऊपर होल होता है, ये गोटा फ्लावर के जस्ट सेंटर में हमें इसे लगाना है। ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा है, यहाँ पर देखिए फिलिग्री में ये होल होता है। तो इससे जो है हम इसे स्टिच कर देंगे नॉर्मल, जैसे हुक का हम स्टिच करते हैं उसी तरह से 2-3 बार इसे होल से और बेस में से हम थ्रेड को अटैच करते हुए निकालेंगे तो इसके साथ अटैच हो जाएगा। क्योंकि ये मेटल है तो एडवाइजेबल नहीं है कि आप ग्लू गन का यूज़ करें इसे चिपकाएं, और इसमें ऑप्शन भी है, होल भी है थ्रेडिंग के लिए, तो वही बेस्ट रहेगा कि आप थ्रेड और नीडल यूज़ करें। इस तरह से ऊपर में हम ग्लू डाल देंगे इसे सिक्योर करने के लिए, इसकी जो नोट है उसे, और इसी तरह से जो है बाकी गोटा फ्लावर्स है उनके नीचे हमें ये चिपकाना है। उसके बाद जो फ्लावर्स हैं हमारे पिंक कलर के, उनके सेंटर में हमें सेम कलर के टसल्स हैं हमारे पास, डबल टसल्स है ये जो है, इन्हें भी आप चिपका सकते हैं और हैंड स्टिच कर सकते हैं। चिपकाने के लिए देखिए इस तरह से जो है फ्लावर के सेंटर में हमें इसे रखना है, आप ऑलरेडी मार्क करके रख सकते हैं। इस तरह से इसके ऊपर हम ग्लू डाल देंगे और इसे ड्राई होने देंगे। एक तो ये तरीका है चिपकाने का, और हैंड स्टिच करने के लिए देखिए इसका जो डोरी है उसे हम कट करेंगे और ये टसल के साथ हम थ्रेड और नीडल को अटैच करेंगे। तो उसके लिए
थ्रेड और नीडल हमने लिया है और इस तरह से जो है हम इसे अटैच करेंगे। हम पहले भी कई बार इस तरह की जो लटकन्स है, टसल्स है, वो लगा चुके हैं, तो बहुत सिंपल आप लोगों को आइडिया होगा कैसे इसे हैंड स्टिच करना है, कैसे लगाना है। उसके बाद फ्लावर के सेंटर में, सेंटर यहाँ से आप इस तरह से जो है इसे सिंपली जो हमारा बेस है उसके साथ अटैच कर देना है। तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। चिपकाना थोड़ा टाइम सेव करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ये रहेगा जो आप थ्रेड से करेंगे। तो वॉशेबल बनाने के लिए इसे आप जितना ज़्यादा हो सके हैंड स्टिच कीजिए। इसके ऊपर हम ग्लू डाल देंगे। तो इसी तरह से जो है जितने फ्लावर्स हैं उनके नीचे हमें टेसल्स लगाने हैं और गोटा फ्लावर्स के नीचे फिलिग्री। तो कंप्लीट होने के बाद देखिए ये हमारे बंदावाल का फाइनल लुक रहेगा। इस तरह का पैटर्न अभी बहुत ट्रेंड में है। आप में से बहुत से लोगों ने फोटोज़ भेजी कि इस तरह का पैटर्न हमें दिखाइए। बहुत सिंपल है बनाना और बना हुआ भी बहुत सुंदर लगता है। ओब्वियसली फ्लावर्स की जो चीज़ें होती है, कलरफुल जो चीज़ें होती है, हमेशा अच्छी लगती है। इसका DIY किट आपको मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।